गुड वाली गुड मॉर्निंग रेडियो प्रीत एंड इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ मैं क्या जिस सुबह सुबह उठने का तरीका ना कोई मैं क्या रोमियो से पूछे क्यों मैं बढ़िया हूँ धन्यवाद। अच्छा गुड मॉर्निंग। सबको जल्दी उठाने का एक मजेदार तरीका है कि आप सबका पसंदीदा गाना जोर से चला। अच्छा साथ ही एक कप चाय या कॉफी तैयार कर दे। अरे वाह क्या बात है, मतलब ये तो मुझे भी पता था लगा, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह सुबह यार एक एनर्जी गाने के साथ हो जाए मैं क्या जी क्या ही मजा आ जाए। सुबह सुबह खैर बारिश ने मेरी थोड़ी सी आँख खोल दी, लेकिन एक कॉल के साथ मेरी दिल की धड़कनें और तेज हो गई जब कहा कि अरे वक्त देखिए क्या हो गया जनाब, उठना है कि नहीं। हूँ मैं क्या जी क्या बात कर रहे हो, अपने लिसनर्स के लिए मैं तो भागी भागी आऊंगी। वैसे रोमियो की गुड वाली गुड मॉर्निंग हो चुकी है हम दोनों की, और आपकी अभी तक गुड वाली गुड मॉर्निंग हुई है कि नहीं, या फिर आप भी अभी सोच रहे हैं कि अरे यार आज तो जो है ऑफिस में एक बहाना मारकर जा सकते हैं थोड़ा सा लेट। अरे बारिश जो हो रही है, बारिश ना वैसे एक अच्छा बहाना दे देती है। व्हाट अ वे, गुड वाली गुड मॉर्निंग। हाय गुड वाली गुड मॉर्निंग रेडियो इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जी मैंने कहा था आपको ना अभी वेदर अपडेट देने वाली हूँ, तो रोमियो जी जनाब मेरे साथ वेदर अपडेट लेकर। आज मुजफ्फरनगर का मौसम आज एकदम फिल्मी है, सुबह से ही बादल नाचते गाते आसमान पर छाए हुए। हाँ हाँ। बारिश की बूंदे जैसे गाने की ताल पर थिरक रही है, दोपहर तक ये बारिश का सिलसिला चलता रहे एकदम रोमांटिक फिल्म के सीन जैसा। शाम को हो सकता है बादलों के बीच सूरज महाराज अपनी झलक दिखा दे जैसे हीरोइन की मुस्कान। क्या बात है। रात तक ये बादलों का खेल जारी रहे, तो अपनी छतरी और रेनकोट तैयार रहे और मजे लीजिए इस प्यारे मौसम का। क्या बात है, मैं कैसे एकदम सही कह रही, ये मौसम ना मस्त एक कहानी के तरीके से जो बरसता है फिर सूरज निकलता है, बरसता है फिर सूरज निकलता है। वो इसी के साथ मैं ये जी गुड वाली गुड मॉर्निंग जनाब। अगर आपको फीलिंग नहीं हो रही है मैं क्या थोड़ा सा बाहर जाकर देख लीजिए, आपको फील हो जाएगा कि मॉर्निंग हो चुकी है। और इसी के साथ अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान थोड़ा सा नहीं रखेंगे और मैं क्या जी थोड़ी सी तबीयत आपकी बिगड़ सकती है, क्योंकि ये टाइम है थोड़ा सा अपने आप को फील एंड सेव करने का। कुछ सोच के बोला होगा तुमने। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमर प्रीत एंड इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के। हाय रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमर प्रीत एंड इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के बारे में आप जी बातें आखिरकार सुनते होंगे। अगर मैं बात करूँ हमारे फैशन के बारे में, एवरीवन नो दैट कि इंडिया का जो है कल्चर वो कितना रिच है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु से कंजीवरम साड़ी के बारे में, जो एक्टर्स हैं हमारी वो कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसा ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है, इवन किसी की शादी में भी जाना होता है, तो हर कोई सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कंजीवरम साड़ी को देती है सिल्क की। अगर बात कर ली जाए इन कर दिया आपकी ब्यूटी गर्ल डबल ट्रिपल, अगर इसके ऊपर ज्वेलरी पहन लेते हैं डायमंड की, ओ माय गॉड जी, ओ मेगा जी क्या ये बात है। लेकिन अगर बात करें हम सिल्वर की भी, तो उसके ऊपर बड़ा ऑप्शन एक कर प्लस पॉइंट कर सकता है, लेकिन सिल्वर के साथ अगर आप अपोजिट कहीं ना कहीं पहनते हैं गोल्ड की, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रास्ट करेगा आपके कलर के ऊपर। तो डिपेंड करता है कि आप कंजीवरम की जो सिल्क साड़ी है वो पहनती हैं तो कौन से कलर को पहनती हैं। हमेशा अवॉइड करते हैं कुछ लोग डार्क कलर को पहनना, मैं क्या जी अगर आप सर्दियों में पहने इवन गर्मियों में भी आपके स्किन टोन के हिसाब से, तो वो आपको और ब्राइट कर देगा। तो ध्यान रखना कि जब भी आप डार्क कलर पहनते हैं तो उसके ऊपर समटाइम्स सिल्वर ही वेयर करें तो और अच्छा लगेगा, लेकिन गोल्डन सिर्फ और सिर्फ 1% ही अच्छा लगता है। रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमरप्रीत को सुन रहे हैं आप, और मेरे साथ है रोमियो जनाब। और मैं क्या जी मेरे को ना एक खबर कानो कान और पड़ गई है, मैं क्या ऋषभ पंत और मैं क्या जी क्रिकेट के साथ साथ इन्होंने ना और भी पैशन फॉलो कर लिया, लोगों को गिफ्ट फ्री में बांटना, और फ्री में नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितने सबसे ज्यादा कमेंट्स एंड लाइक्स आएंगे ना मैं उससे सबसे ज्यादा जिसने दिया मैं उसको प्राइज दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि भैया नीरज चोपड़ा जो है फाइनल में आने के बाद अब अगर गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो पक्का मैं क्या जी उनको इनाम मिल ही जाएगा। क्यों रोमियो और बहनों, अब तो आलम यह है कि जीते चाहे कोई भी। हाँ। इनाम बांटने वाले पहले ही लाइन में खड़े हैं। नीरज चोपड़ा जीते तो उनकी मेहनत, बाकी इनाम देने वालों की जेबें तैयार। यह सुनकर तो खुद नीरज चोपड़ा भी हंस देंगे। मैं कह जी ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखिए ऋषभ पंत हो या फिर कोई और, इन्होंने तो गिफ्ट और इनाम्स की जो है घोषणा कर दिया। भैया मुझे तो ये लगता है कि नीरज चोपड़ा को ना ऐसे जीते ना जीते, लेकिन हाँ इस प्रेशर में आकर जरूर जीते। अब जो इनके फैंस होंगे वो भी ये कहेंगे नीरज चोपड़ा जी जीत जाइए, देखिए आपको तो मेडल मिलेगा पूरे देश को एक तरीके से, लेकिन हमें भी इनाम मिल जाएगा।
आई नो कि टेंथ में किसी किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं होती है, लेकिन बड़े होके इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके साथ बदला लें, और वो भी खाने में। हेलो हाय रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमर प्रीत एंड इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जनाब मैगा की हाल चाल दिल पे रख लीजिए हाथ, क्योंकि आपको थोड़ा सा सुनने के बाद लग सकता है छोटा सा झटका। और मैगा जी, एक ब्लॉगर ने, फूड ब्लॉगर ने क्या करा, कॉफी के अंदर डाल दिए प्याज, और मैगा जी उस केमिस्ट्री को यूज करने के बाद उन्होंने लिखा अ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल कप ऑफ कॉफी। और मैगा जी ये तो वही काम हो गया जो खुद करने के खुद बचता है कि अजी आई एम सो सॉरी, गलती से मेरे से हो गया। जनाब मैं कहती हूँ कि खाने के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना किया जाए, बस जिस तरीके से खाने को, खाने का तरीका है उस तरीके से खाया जाए, कॉफी के साथ प्याज। मैं कहती ये कोई बात नहीं सजी धजी, मुझे बिल्कुल लगी ही नहीं। सही कहा आपने, ऐसा लगता है जैसे खाने के साथ उनका केमिस्ट्री टेस्ट शुरू हो गया है। प्याज चाय का फॉर्मूला तो वाकई अजीब है, जैसे पुराने केमिस्ट्री के प्रयोगों को सीधे खाने में ट्राई कर लिया हो, शायद अगले प्रयोग में उन्हें क्या समझ में आ सकता है मुझे ये भी बता दो। हा, सही कहा आपने। तुम्हारी हंसी से मुझे एक चीज और याद आई है कि रोमियो, अगर हमारे पेरेंट्स होते, इंडियन पेरेंट्स, उन्होंने ऐसा देख लिया होता कॉफी के अंदर प्याज डालते हुए, और मैं क्या जी हमारी मम्मी ये कहती बेटा अगर आपको प्याज इतना पसंद नहीं है या फिर कॉफी पसंद नहीं आई, कम से कम प्याज को तो बेदर्दी मत कीर जी, उसके साथ कम से कम सब्जी में डाल के खा लेते। हेलो जी की हाल चाल रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमर प्रीत एंड इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। मैं क्या जी, ताजमहल के अंदर मेन जगह पर पानी की बोतल जो है वो टूरिस्ट नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर आप बाहर के साइड है तो आप पानी आराम से पी सकते हैं। लेकिन अगर बात कर दी जाए हमारे घर के अंदर, मैं कहती हूँ हमारी मम्मी का सिर्फ एक सपना होता है, बेटे अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाने के टाइम टेबल पर ना आपकी बिल्कुल भी फोन दिखना नहीं चाहिए। अगर घर में भी टीवी और फोन के साथ खाना खाने की आजादी बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी का आधा मजा ही चला जाएगा। अब तो सुकून भी मिलेगा कि खाना और टेक्नोलॉजी का मिलन फिर से सिर्फ सपनों में ही रह जाए। मैं कहती हूँ क्या बात है, लेकिन हमारे घर पे जब रिलेटिव आते हैं ना वो इस चीज को बड़ा ताना मारते हैं बाय गॉड की कसम से, तभी हमारी मम्मी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है कि बेटा फोन को रख दो साइड और अब अपना ध्यान दो खाने के ऊपर सिर्फ। क्यों सही कह रही हूँ मैं, कभी कभी सही भी लगता है। हाय रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमरप्रीत एंड इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जी बिल्कुल रही, आपके जो मूड स्विंग्स हैं या फिर कभी कभी आपको थकावट लगती है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप अपने फोन में या फिर अपनी घड़ी में 3-4 अलार्म सेट करके रखते हो। एक्सपर्ट्स की अगर बात की जाए तो वो बताते हैं कि अगर आप अपने फोन में 2-3-4 अलार्म लगाते हैं जिससे आपकी है मोमेंट स्लीप को नुकसान पहुंचता है, और जो अलार्म लगाते हैं बहुत ज्यादा उनको थकावट, मूड स्विंग्स और इसके अंदर भी और प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए इन फ्यूचर की अगर बात कर ली जाए तो अगर आप डेली ऐसी चीज करते हैं तो इससे आपकी आईज, इवन आपके माइंड में भी टेंशन क्रिएट होती है और आपका जो है वजन वो बढ़ सकता है। तो बी केयरफुल, एक बार ही लगाओ और अचानक से एकदम नींद खुलने से आपकी आईज पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ इफेक्ट पड़ सकता है आपकी मेंटल हेल्थ पर भी। तो इसी के साथ अगर चलते हैं भाई, अगर अलार्म लगा रहे हैं तो एक ही अलार्म लगाइएगा जरूर। मैं गया जी, तो ये आपकी नींद को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। सोचिए एक अलार्म से उठना ही मुश्किल होता है, और जब वह अलार्म बार बार बजने लगे तो नींद की गाड़ी का इंजन पूरी तरह से खराब हो जाता है। इससे आपको न सिर्फ थकावट महसूस होगी बल्कि दिन भर मूर्छा भी लगेगा। अगर आप नींद की सवारी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो एक ही अलार्म पर भरोसा करें। ओ मैगा जी, वो कह रहे ना एक ही चीज पे एक बार भरोसा करना चाहिए। मैगा जी ऐसे करके देखिए जी, अलार्म पर भी एक बार अगर आपकी आंख नहीं खुलती है, मैगा जी दोबारा अपने घर वालों को कह दीजिए, लेकिन अलार्म सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बजाइएगा। हाय रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमर प्रीत। मैगा जी चलते चलते वंस अगेन हैप्पी टीज एवरीवन। आर जी मैगा झूला झूल के आराम से सबकी बारी आनी दीजिए, ये मत कहिएगा कि पहले मैं बचपन में बहुत किया हमने, लेकिन अब दिल कहता है कि कोई बात नहीं झूल लीजिए, जाने का टाइम हो चुका है मेरा। मैं क्या जी इसके साथ रोमियो चलते हैं, अब भी चलोगे मेरे साथ या अभी रहने का इरादा है, चलते हैं। मैं क्या जी रोमियो, चलिए इसी के साथ। रोमियो ने तो अपना बैकपैक वगैरह कुछ भी नहीं करा है क्योंकि वो ऐसे ही चल देता है मेरे साथ। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं अपने वाले टाइम पे। मैं क्या जी आज वाले मॉर्निंग के लिए सिर्फ और पिच 5 मिनट बाकी हैं, इसी के लिए वंस अगेन आपको बोलती है गुड वाली गुड मॉर्निंग। मैं क्या जी चलते चलते अलविदा कहिएगा कि नहीं, मैं क्या जी ये कहिएगा जरूर फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। मैं क्या जी कल ही मिलेंगे, कल मोड़ आ जाए।